हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पावर मैथ्स क्लासेस। टुडे वी स्टडी नाउ चैप्टर्स नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज बेटा 5.4। एक्सरसाइज 5.4 में डिफरेंशिएबल द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कुछ फंक्शंस दिए हैं जिन्हें हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर हम अलग अलग तरह के आज फंक्शन लेंगे और उन्हें डिफरेंशिएट करना सीखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले हम y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन साइन x इज ये फंक्शन ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का dy वाई बाई डी एक्स जब x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये क्वांटेंट रूल के अकॉर्डिंग यदि दो फंक्शन है और आप उनका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट का डेरिवेशन करते हैं, नीचे वाले को ऐसे रहने देते हैं माइनस, फर्स्ट ऊपर को ऐसे रहने देते हैं, नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं। तो इस क्वांटेंट रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें ये अप्लाई करते हैं, e की पावर साइन एक्सिस को ऐसे रहने दिया, ई की पावर एक्स का करा तो ई की पावर एक्स साइन एक्सिस आ गया माइनस। अब इस बार ई की पावर एक्स को ऐसे रहने देते हैं, साइन एक्स का करेंगे तो कोस एक्स अपोन, नीचे डिनोमिनेटर है तो इसका वी का स्क्वायर था, साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, दोनों में ई की पावर एक्स क्या कॉमन है बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कोस एक्स बच जाएगा अपोन साइन स्क्वायर एक्स, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में दिया है वाई बराबर ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो सबसे पहले dy वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। इस फंक्शन को मैंने t मान लिया, लेट e की पावर t, अब देखो e की पावर t का e की पावर t आता है तो e की पावर साइन इनवर्स x आ जाएगा। अब dy वाई डी एक्स जिसको आपने t लेट किया हुआ था जो साइन इनवर्स x है, अब साइन इनवर्स x का करेंगे, साइन इनवर्स x का क्या होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की यदि मैं इस e की पावर साइन इनवर्स x में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा dy वाई बाई डी एक्स e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट हमें क्वेश्चन इसी के थ्री पार्ट में दे रखा है वाई ई की पावर एक्स की पावर थ्री, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ये एन एक्स की पावर एन के रूप में एक फंक्शन है, एक्स की पावर एन डी बाई डी एक्स के टाइप में एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएट एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। सबसे पहले मैंने इस फंक्शन को टी मान लिया अपने माइंड में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर, जब मैंने इसे टी मान लिया तो ई की पावर टी का डिफरेंशिएट ई की पावर टी तो ई की पावर एक्स की पावर थ्री रह जाएगा, और डी बाई डी एक्स की पावर थ्री का करेंगे हम, एक्स की पावर थ्री का थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस वन तो थ्री एक्स की पावर टू आ जाएगा, इन टू में क्या आ जाएगा इन टू ई की ई एक्स की पावर थ्री, ये इसके लिए क्या आ गया इसका इसका आंसर आ गया डिफरेंशिएट होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है वाई इजिकल टू साइन ब्रैकेट टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स दिया हुआ है। अब पहले इस ब्रैकेट की वैल्यू को मैंने अपने माइंड्स में कुछ लेट कर लिया टी एक्स वाई जेड के रूप में, ये मेरा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ तो इसका क्या हो जाएगा साइन का कोस, तो कोस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स आ गया। अब बाई डी बाई डी एक्स इज टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का कर रहे हैं तो ये इनवर्स इस फंक्शन है, टेन इनवर्स का क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में एक्स क्या है ई की पावर माइनस एक्स, और यदि मैं ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस के टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स इन टू में, और इन टू ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, तो यही हमारे लिए क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कोस ब्रैकेट टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स इन टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसके लिए आ जाएगा। ऐसे ही हमें और फंक्शन दिए हैं, इस बार हम इसका क्वेश्चन नंबर फाइव ले लेते हैं एक्सरसाइज 5.4 से। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर फाइव वाई बराबर लॉग ब्रैकेट कोस ई की पावर एक्स दे रखा है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इस बार हमने कुछ लेट कर लिया टी तो डी वाई बाई डी एक्स तो लॉग टी तो कितना आ जाएगा जब हम इसके लिए करेंगे लॉग कोस ई की पावर एक्सिस का कर रहे हैं तो जो भी हमारे पास फंक्शन है ये टी है तो वन अपॉन एक्स तो वन अपॉन कोस ई की पावर एक्स आ गया इनटू अब कोस ई की पावर एक्सिस का कर लेंगे डी बाई डी एक्सिस, तो कोस का क्या होता है साइन वो भी माइनस के तो माइनस साइन ई की पावर एक्स, तो माइनस साइन ई की पावर एक्स अपॉन कोस ई की पावर एक्स इनटू डी बाई डी एक्सिस ई की पावर एक्स आ जाएगा। अब ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स तो माइनस ई ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स अपॉन कोस ई की पावर एक्स आ जाएगा। ओके तो इसके लिए जब माइनस ई की पावर साइन ई की पावर एक्स अपॉन कोस ई की पावर एक्स आ जाएगा तो ई की पावर एक्स जब नॉट इक्वल होगी टू एन प्लस वन पाई बाई टू के लिए तो इसकी वैल्यू को हम टेन के टर्म में लिख सकते हैं, तो ये माइनस ई की पावर एक्स साइन बटे जो कोस है वो आ जाएगा टेन और क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ई की पावर एक्स टेन ई की पावर एक्स जब e की पावर x नॉट इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू के इक्वल होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स दे रखा है हमें y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x की पावर थ्री डैश डैश e की पावर x की पावर फाइव, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं
तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आ जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर का अब भी बढ़ गया है, पहले आप इसे टी मानते हैं तो ई की पावर टी का ई की पावर टी अर्थात ई की पावर एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x तो 2x आ जाएगा, तो 2x इंटू ई की पावर एक्स आ गया। ऐसे यदि यहाँ पे ई की एक्स की लाइज 3 पावर दी होती यहाँ पे, तो पहले हम इसे टी मानते तो ई की पावर टी तो ई की पावर एक्स की पावर 3 आ जाती है, और एक्स की पावर 3 का एन एक्स की पावर एन माइनस 1 से 3x की पावर 2 आ जाता, तो 3x की पावर 2 ई की पावर एक्स की पावर 3 आ जाता प्लस डैश डैश। ऐसे ही हम 5 वाली पावर के लिए करें तो इसे टी मान लेंगे तो e की पावर x की पावर 5 ही रह जाएगा, और x की पावर 5 का 5x की पावर 4 रह जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, dy by dx इज मान आ जाएगा। यदि हम इनमें क्वेश्चंस की बात करें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें इस बार रूट e की पावर रूट x दे रखा है, इफ जब x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 0, इफ यदि y इज इक्वल टू रूट e की पावर रूट x दिया हुआ है और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने इस रूट को क्या लिख लिया 1/2 लिख लिया। पहले इस फंक्शन की पावर को 1/2 पावर के रूप में, x की पावर n पावर के रूप में इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इज 1/2 पहले आ जाएगा e की पावर रूट x, तो 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस के 1/2 आ जाएगा। d by dx इज किसका, इस ब्रैकेट वाली वैल्यू का e की पावर रूट x का। अब e की पावर रूट x में रूट x को कुछ लेट कर लीजिए, जब e की पावर को इसको आपने लेट कर लिया तो इसका रिजल्टेंट यदि आपने मान लो w मान लो ew, तो ew ही रह जाएगा क्योंकि e की पावर t है, जो भी फंक्शन मान रहे हैं उसका e की पावर में वही रहता है। तो ये कितना आ गया 1/2, और ये निगेटिव पावर को यदि आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से जब ए की पावर माइनस 1 माइनस के एम होती है तो 1/a की पावर एम के क्या होता है इक्वल, तो ये 1/2 रूट ई की पावर क्या आ जाएगा रूट एक्स आ जाएगा, इनटू में ई की पावर आपने से टी माना हुआ था तो ई की पावर टी का ई की पावर रूट एक्स आ जाएगा, इस रूट एक्स का डी बाई डी एक्स, तो रूट एक्स के लिए एक्स की पावर क्या है 1/2। अब x की पावर जब ये 1/2 है इसका आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 तो x की पावर माइनस के 1/2 रह गया। इसको भी आप निगेटिव से पॉजिटिव यदि पावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, और 1/2 रूट एक्स देखो जब 1/2 रूट एक्स किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर रूट एक्स रह जाएगा, नीचे 2 की 2 में मल्टीप्लाई होगी 4 रूट एक्स, और ब्रैकेट में ये इधर रूट e की पावर रूट एक्स, ये इसके लिए क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपको 8 दिया है, y इक्वल टू क्या दे रखा है, y इक्वल टू log ब्रैकेट में log x दिया हुआ है और हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इज dy by dx, तो dy dx इज किसका, इस फंक्शन का log ब्रैकेट में जो log x है। अब इस log x को जो ब्रैकेट के अंदर इसे आप t मान रहे हैं तो log t का क्या हो जाएगा 1/t, दैट इज 1/ log x। अब डी बाई डी एक्स इज किसका रह गया, जो ये ब्रैकेट में वैल्यू है आपकी लॉग एक्स, लॉग एक्स, इस लॉग एक्स का क्या आ जाएगा 1/x, तो 1/ लॉग एक्स इंटू 1/x, आपस में इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1/x लॉग एक्स, ये इसका क्या आ गया इसका आंसर हो गया फाइंड होके 1/x लॉग एक्स, इसके लिए क्या इसका इसका रिजल्टेंट है। इफ कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 1 है, जब x 1 से क्या होगा ग्रेटर देन होगा तो 1/x log x इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे यदि आप क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं 9 ले रहे हैं, तो इस बार y इक्वल टू हमें जो फंक्शन दे रखा है वो ऐसे दे रखा है cos x अपॉन log x, जब y बराबर cos x अपॉन log x है तो इसे हम क्वांटेंट रूल के अकॉर्डिंग कर लेंगे। क्वांटेंट रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो पहले आप इसको log x कैसे रहने देंगे, cos x का कर देंगे, cos x का हो जाएगा माइनस के sin x, फिर माइनस फॉर्मूले में आता है, फिर cos x को ऐसे रहने देंगे log x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x, और अपॉन में नीचे log x का स्क्वायर कर लेंगे, तो डू योर सेल्फ खुद कर सकते हैं आप इसे। ओके ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू cos ब्रैकेट में log x प्लस e की पावर x दिया है, हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने इस ब्रैकेट की वैल्यू को t मान लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कर रहा हूँ, तो कोस का क्या हो जाएगा साइन, वो भी माइनस के, तो माइनस साइन ब्रैकेट लोग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और डी बाई डी एक्स इज अभी इस ब्रैकेट वाली वैल्यूज का लोग एक्स प्लस ई की पावर एक्स का। अब देखो जब मैं इस ब्रैकेट वाली वैल्यू का कर रहा हूँ तो लोग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x प्लस ई की पावर एक्स का क्या होगा ई की पावर एक्स, तो 1 ब्रैकेट में 1/x प्लस e की पावर x, और ये जो रिजल्टेंट है ये ऐसे रह जाएगा माइनस साइन log ब्रैकेट में log x प्लस e की पावर x। अब मैं इसमें से x कॉमन ले सकता हूँ
यदि मैं इसमें से x कॉमन लूँ, बाहर लूँ, टेक ऑफ करूँ, तो ये कितना आ जाएगा? यह ज़रूरी नहीं है, आप ले लें मर्जी एज यू लाइक, x चाहे कॉमन लेके बाहर लेके दिखा दें, या आप इसमें से ना भी लें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, जीरो से ग्रेटर है, जब x ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी इसके लिए, माइनस ब्रैकेट वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, इसका क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी।